नमस्कार दोस्तों, कृपया यह वार्निंग संदेश पढ़ लें आप। दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं दोस्तों आप लोगों के सामने। SEPL में आज 8 जुलाई 2020 की जो पेमेंट दोस्तों सभी की लगभग 90% जो SEPL इन्वेस्टर थे उनकी पेमेंट रुकी हुई थी। तो दोस्तों SEPL कंपनी ने अभी अपना एक संदेश जारी करके सभी इन्वेस्टर को बता दिया है कि उनकी जो पेमेंट थी वो सभी की आईडीज में किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो रुक गई थी, अब कंपनी ने उस पेमेंट को अपडेट कर दिया है और सभी यूजर के अकाउंट जिसके अंदर पेमेंट रुकी हुई थी टेक्निकल एरर की वजह से वो सॉल्व कर दी गई है और अभी सभी यूजर अपनी आईडी ओपन करके उस पेमेंट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ा स्टेप कंपनी ने लिया है और इस स्टेप के बाद दोस्तों आप समझ नहीं सकते कि यूजर का कितना मतलब प्लस पॉजिटिव मोटिवेशन हुआ है कंपनी के प्रति, क्योंकि अभी तक जो सुबह से एक रूमर क्रिएट किया जा रहा था कि पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, क्यों कंपनी इतना पैसा काट रही है। काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने कल 10-10 आइडियाँ लगाई थी और उनका कुछ भी पे आउट आज उनको सुबह आईडी के अंदर जीरो शो कर रहा था, तो वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति में थे। और जिन लोगों ने अभी 8वें 9वें लेवल अचीव किए थे उनको बेचारों का अभी कुछ भी अपडेट नहीं हुआ था, उनको 200 रुपये 50 रुपये 100 रुपये सुबह अकाउंट में शो कर रहा था। तो वीरेंद्र सर ने उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर दिया गया है और अब सभी की पेमेंट है जो वो उनके अकाउंट में आ चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना अकाउंट है जो वो चेक कर लीजिए ताकि आपको यह क्लियर हो सके कि आपका कोई पेंडिंग पेमेंट तो नहीं बचा है। अगर आपका कोई पेंडिंग पेमेंट बचा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया कंपनी में मैसेज करने की बजाय आप अपने अप्लाइनर को नोट करवा दीजिए आपकी आईडी, और अगर फिर भी आप पर्सनली इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप कंपनी के जो नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, कंपनी आपको रिप्लाई कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आप सभी लोगों के इन्वेस्टर्स के चेहरे पर अब रौनक आ गई होगी और आपको काफ़ी खुशी भी महसूस हुई होगी, क्योंकि कल से जब से इसका सुबह से आपको पता चला था तो तब से काफ़ी लोग मायूस थे कि पता नहीं क्या ऐसा एकदम से हो गया है कि लोगों की इतनी पेमेंट रुक गई है। तो उम्मीद बनाए रखिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए और माहौल को बना के रखिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में इस जानकारी को शेयर कीजिए। लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कोई भी अगर आप अपना डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं किसी की भी जिम्मेवारी आप मत लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही एक रिस्क फैक्टर रहा है। आप अपना कंसेप्ट, कंपनी का कंसेप्ट उन्हें समझाइए, किसी को भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए फोर्स मत कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।